Hello everybody, welcome to 9th class mathematics. Today we will discuss equivalent versions of Euclid's fifth postulate. आज डे 37 फटाफट से स्टार्ट करेंगे. तो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट मैंने आपको अच्छी तरह समझाया हुआ है और मैंने आपको कहा भी था ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, मतलब इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. इस पूरे चैप्टर में वही मेन है, ठीक है, बाकी भी मेन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिफ्थ की बात ही कुछ और है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार फिफ्थ पोस्टुलेट से ही. तो इसमें लिखा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स. इसका मतलब समझे, अगर दो लाइन आपके पास है, ठीक है, उसके ऊपर तीसरी लाइन फॉल करती है, मतलब गिरती है, तो जो आपका इंटीरियर एंगल बना ये वाला वन और ये टू, तो एंगल वन प्लस एंगल टू आपका अगर 180 डिग्री से छोटा होता है, इसने कहा है लेस देन टू राइट एंगल्स, ठीक है, मतलब दो राइट एंगल मतलब 90 प्लस 90, ठीक है, तो ये जो दोनों लाइनें हैं आगे बढ़ाए जाने पर एक पॉइंट पर मिलेगी, ठीक है, आगे बढ़ाए जाने पर एक पॉइंट पर मिलेगी, ठीक है, इसका कहने का वो मतलब है. तो अब हम इक्विवेलेंट वर्जन देखेंगे, ठीक है. इक्विवेलेंट वर्जन उसका मतलब होता है कि मिलते जुलते सेम मीनिंग रखते हैं, बस थोड़ा स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है, और इसी से बनते हैं वो. चलते आओ, तो देखो इधर लिखा है देयर आर सेवरल इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ दिस पोस्टुलेट, वन ऑफ देम इज प्लेफेयर्स एक्सियम. ठीक है, अब हम प्लेफेयर का एग्जाम देखेंगे, तो जो कि प्लेफेयर ने दिया होगा, तो स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर ने 1729 में दिया था. ठीक है, इसे याद कर लेना, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं इसे. अभी कह रहा है फॉर एवरी लाइन एल, आपके पास एक लाइन है एल, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, ध्यान से सुनो, आपके पास एक लाइन है एल और एक पॉइंट है पी, पी एल पर नहीं है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल. ठीक है, अभी कह रहा है, मैं समझाता हूँ आपको ना, अभी कह रहा है आपके पास एक लाइन है एल, एक पॉइंट है पी, पॉइंट पी आपका उस लाइन पर नहीं है, ठीक है, तो अब कह रहा है कि इस पी से ना एक लाइन ऐसी होगी जो कि एल के पैरेलल होगी. बिल्कुल सही कहा इसने, एक लाइन तो ऐसी होगी ना जो स्ट्रेट होगी, एल के पैरेलल होगी, सही बात है. ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट वर्जन है. एक लाइन ऐसी भी हो सकती है, लाइनें तो आपको पता ही है इसमें कितनी होती है, इनफाइनाइट मैनी लाइंस होती है. ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो इसका आई होप आप समझ गए होंगे क्या है इसका एग्जाम. देखो प्रूफ तो होगा नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं एग्जाम को. ठीक है, देखो इसी का इक्विवेलेंट एक ये वाला भी है, देखो, ठीक है, ये वाला, इसे भी याद कर लेना. ठीक है, क्या कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन. इसका मतलब समझे, इसका मतलब अगर आपके पास दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही हो, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, दो लाइन ऐसी है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये दो लाइनें कभी भी एक ही लाइन के पैरेलल नहीं होगी, मतलब समझ रहे हो. जैसे मान लो मैं अगर एक के पैरेलल खींचता हूँ, ठीक है, ये लो मैंने एक लाइन खींची, तो आपको पता चल रहा होगा, यहाँ से कलर चेंज करूँ, ये और ये पैरेलल है, पता चल गया, लेकिन ये और ये तो नहीं है ना, है ना, तो इससे पता चला कि कभी भी दो डिस्टिंक्ट लाइन पैरेलल नहीं हो सकती एक ही लाइन के, आप चाहे कितनी भी लाइनें बना लो. ठीक है, ये दोनों डिस्टिंक्ट लाइन थी, ये कभी भी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती. आप प्रैक्टिकल करो ना इस काम को, आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, अब मेन बात जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, इसे पढ़ते हैं. यहाँ लिखा है यूक्लिड डिड नॉट रिक्वायर हिज फिफ्थ पोस्टुलेट टू प्रूव हिज फर्स्ट 28 थ्योरम्स, मतलब उसे 28 थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, जो उसकी पहली 28 थ्योरम थी उसने प्रूफ करने के लिए फिफ्थ पोस्टुलेट का यूज़ नहीं किया. अब इसमें लिखा है मैनी मैथमेटिशियंस इंक्लूडिंग हिम वर कन्विंस दैट द फिफ्थ पोस्टुलेट इज एक्चुअली अ थ्योरम दैट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग जस्ट द फर्स्ट फोर पोस्टुलेट्स एंड अदर एग्जियम्स. तो जो यूक्लिड था और उसके अलावा जो उस समय के गणितज्ञ लोग थे, वो ये मानते थे कि हम इस फिफ्थ पोस्टुलेट को प्रूफ कर देंगे, एक थ्योरम है, अगर प्रूफ हो गया, मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्टेटमेंट आपका प्रूफ हो जाता है तो वो थ्योरम बन जाता है. ठीक है,
मैं आपको बता चुका हूँ। उन्होंने सोचा कि मैंने जो पहले चार पोस्टुलेट दिए उससे मैं इसे प्रूव कर दूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाए। ठीक है, अब यहाँ लिखा है हावेवर ऑल अटेम्प्ट्स टू प्रूव द फिफ्थ पोस्टुलेट एज थ्योरम हैव फेल्ड। ठीक है, फेल हो गए वो प्रूफ करने में। बट दीज एफर्ट हैव लेड टू अ ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, अब देखो इस एफर्ट से उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश तो करी ना, इस एफर्ट से कुछ ना कुछ फायदा हुआ। अब क्या फायदा हुआ देखते हैं। द क्रिएशन ऑफ सेवरल अदर ज्योमेट्रीज, दीज ज्योमेट्रीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यूक्लिडियन ज्योमेट्री, दे आर कॉल्ड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज, देयर क्रिएशन इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ थॉट, बिकम टिल देन एवरीवन हैड बिलीव दैट यूक्लिड्स वॉज द ओनली ज्योमेट्री। मतलब समझ रहे हैं कि उनके प्रयास से उन्होंने मेहनत करी अच्छी तरह, प्रूफ करने की कोशिश करी, तो प्रूफ तो नहीं कर पाए। उन्हें पता चला कि एक और यूक्लिड की ज्योमेट्री के अलावा और ज्योमेट्री भी होती है जिन्हें बोलते हैं हम नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, अब लोगों को सोच में डाल दिया उन्होंने, तो लोगों ने फिर और क्या किया, लोगों ने अपनी मेहनत करी और गणितज्ञों ने, ठीक है, गणितज्ञों ने और क्या किया, और मेहनत करी, फिर और प्रमेय बनाई होंगे उसके ऊपर। ठीक है, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज के ऊपर, ठीक है, सर्च किया, अपना रिसर्च किया अपनी ओर से। ठीक है, बहुत मेहनत होती है भाई इनमें, बहुत मेहनत करते हैं लोग। पहले क्या मानते थे कि लोग ना, कि जो ये पूरा विश्व है ना, वर्ल्ड, ये यूक्लिडियन है। ठीक है, मतलब आपको बताया कि यूक्लिड ने जो ज्योमेट्री का और जो गणितज्ञ थे वो मैथमेटिशियन थे, उस समय के जो ज्योमेट्री को क्या मानते थे, एक मॉडल मानते थे इस पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड से ही ज्योमेट्री खींच के लाते थे वो, मतलब ये ऐसे पूरी शेप पूरे वर्ल्ड से लेते थे। ठीक है, तो उस समय पूरे वर्ल्ड को यूक्लिडियन माना जाता था, लेकिन जब बाद में पता चला कि जब उन्होंने फिफ्थ पोस्टुलेट को एक थ्योरम बनाने की कोशिश करी, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, तो उस मेहनत से उन्हें थ्योरम तो बना नहीं पाए, लेकिन उन्हें एक बात पता चली कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अलावा भी और ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है, वो हो गया आपकी नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, नाउ द ज्योमेट्री ऑफ यूनिवर्स वी लिव इन हैज बीन शोन टू बी नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अब ये कह रहा है कि जो ज्योमेट्री जिसमें हम रह रहे हैं वो भी आपकी क्या है, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इनफैक्ट इट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल ज्योमेट्री। ठीक है, तो इससे इतना क्लियर हो गया होगा कि जो यूक्लिड की ज्योमेट्री होगी ये कहाँ फेल हो जाती है, कर्व्ड सरफेस पर। ठीक है, समझ गए, स्फेरिकल है मतलब जहाँ पर कर्व आ जाए आपका, तो वहाँ पर ये यूक्लिड की ज्योमेट्री फेल हो जाती है। ठीक है, अब क्या लिखा है, इन स्फेरिकल ज्योमेट्री लाइंस आर नॉट स्ट्रेट, दे आर पार्ट ऑफ अ ग्रेट सर्कल। ठीक है, दैट इज सर्कल ऑब्टेन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, ग्रेट सर्कल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक स्फीयर से कुछ ऐसे शेप का निकालना, इसे बोलते हैं ग्रेट सर्कल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख रहे हो, चौड़ा सा है, थोड़ा ग्रेट सर्कल बोलते हैं इसे ना, आप इसे कैसे ही बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको उसमें दिखाऊंगा सफारी पे ना, चलो पहले दिखाई देता हूँ ग्रेट, अरे क्या लग गया, ग्रेट सर्कल, ये होता है आपका ग्रेट सर्कल। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, एक सर्कल से ये ग्रेट सर्कल निकाला हुआ है, देख रहे हो, एक स्फीयर से, सॉरी, एक स्फीयर से आपका एक ग्रेट सर्कल निकल रहा है, देख रहे हो, इसे बोलते हैं ग्रेट सर्कल। देख लो गौर से, ये ऐसे भी निकल सकता है, वैसे भी निकल सकता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, बस नॉलेज के लिए होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, बस इतना काफ़ी होता है नॉलेज के लिए, बाकी और सर्च मारो अपने और से। ठीक है, हाँ वापस आते हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे ग्रेट सर्कल क्या है। अब देखो, ग्रेट सर्कल आगे पढ़ने वाले हैं हम, वैसे 11th क्लास में है। ठीक है, अभी कह रहा है इन फिगर 5.12 द लाइंस ए एन बी एन विच आर पार्ट ऑफ अ ग्रेट सर्कल ऑफ ए स्फीयर आर परपेंडिकुलर द सेम लाइन ए बी बट दे आर मीटिंग टू ईच अदर। इसका मतलब समझ रहे हो, देखो क्या कहना चाह रहा है। देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि देखो, अगर दो लाइन हो हमारे पास, अभी तक हमने पढ़ा दो लाइन हो, तीसरी लाइन गिरे, ठीक है, तो अगर ये इंटीरियर एंगल आपके, मतलब इंटीरियर एंगल आपका 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो
ये जो दोनों लाइनें हैं आपकी पैरेलल होती है, अगर इंटीरियर एंगल का ऐड आपका 180 से कम हो जाए, ठीक है, तो ये दोनों लाइनें आपस में कहीं इंटरसेक्ट करेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो ये इतना तो हमें पता चला। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये आपका ग्रेट सर्कल का पार्ट है, ठीक है, ए एन, ठीक है, इस ए एन को देखो और ये वाला बी एन, ठीक है। अब ए एन और बी एन आपका ए बी पर तो परपेंडिकुलर है, ये देख रहे हो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मतलब ऐसे कुछ होंगे, ठीक है, ए बी पर परपेंडिकुलर है, लेकिन ये देखो ना ये लाइन है पूरी, इंटीरियर एंगल आपको क्या बना, 90 प्लस 90 180 बना, बना नहीं बना, देखो ये 90 है और ये भी 90, इंटीरियर एंगल हुए ना, इंटीरियर तो 180 बना, तो अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड ये पैरेलल होने चाहिए, यूक्लिड नहीं, यूक्लिड ने तो इसकी बात ही नहीं करी, लेकिन उसकी जो इक्विवेलेंट एग्जाम्स निकले थे उसके हिसाब से अगर हम माने तो पैरेलल होने चाहिए थे, ठीक है, आप कैसे ऐसा भी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड, ठीक है, पर हुए नहीं पैरेलल, देख रहे हो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इससे पता चला कि कर्व्ड सरफेस पर यूक्लिड फेल हो गए, ठीक है। और एक और बात, आई होप आप समझ गए होंगे, ये ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रूल, पर ये एक पॉइंट पे मीट हुआ, ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इतना ना, तो यूक्लिड भाई साहब फेल हो गए यहाँ पर। अब पूरे वर्ड को नॉन यूक्लिडियन कहा जाता है, ठीक है, पहले यूक्लिड कहा जाता है, यूक्लिडियन कहा जाता था। अब देखो एक और खास बात देखो, गौर से देखो, ठीक है, ट्रायंगल हुआ आपका एक तरीके से, भले ही सरफेस आपकी कर्व वाली है, ठीक है, ये ट्रायंगल हुआ एक तरीके से, ठीक है, ये वाला देखो वो नहीं हुआ, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के गौर से देखो, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो 90 प्लस 90, ये कुछ ना कुछ होगा, प्लस में कुछ ना कुछ, ये वाला देखो ना, ये वाला कलर चेंज करो, ये वाला कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो 90 ये है, 90 ये है, 90 प्लस 90 प्लस ये आपका 180 होना चाहिए, है ना, पर लेकिन इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें पता चल रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब देख रहे हो यहाँ पे 180 से प्लस जा रहा है, ये जा रहा है नहीं जा रहा, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ यूक्लिडियन भाई साहब फेल हो गए। तो हमें क्या पता चला कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज़ वैलिड ओनली फॉर द फिगर्स दैट आर ऑन इन प्लेन, ठीक है, मतलब यूक्लिड की ज्योमेट्री आपकी वर्क करेगी लेकिन केवल प्लेन पर, जो भी फिगर आपका प्लेन पर होता है उस पर यूक्लिड की ज्योमेट्री वर्क करेगी, लेकिन यहाँ लिखा है ऑन कर्व्ड सरफेस इट फेल्स, ठीक है, इसे याद कर लो, ऑन कर्व्ड सरफेस इट फेल्स, बस आई होप आप समझ गए होंगे, कोई डाउट हो तो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। आगे कह रहा है नाउ लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, एग्जांपल थी पढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, इज दिस स्टेटमेंट अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। बिल्कुल भाई, अभी तो बताया था, अभी हमने क्या देखी थी, प्लेफियर्स एक्जियम, तो क्या कह रही थी वो आपकी पैरेलल के बारे में बता रही थी, तो ये भी तो वही कह रहा है, ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपके पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, तो हाँ भाई देखो अगर ये इक्वी डिस्टेंस हुए तो ये आपके क्या होंगे, ये अगर ये डिस्टेंस इक्वल हुई ना, ये आपकी मेनटेन हुई डिस्टेंस, तो ये आपके वो होंगे पैरेलल, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लिखा है टेक एनी लाइन एल एंड अ पॉइंट पी नॉट ऑन एल, प्लेफेयर्स एग्जियम विच इज इक्विवेलेंट टू फिफ्थ पोस्टुलेट, वी नो देयर इज अ यूनिट पैरेलल टू एल, नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन परपेंडिकुलर, आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस होंगे आप खुद ही कह सकते हो, ठीक है। अब देखो रिमार्क लिखा, द ज्योमेट्री दैट यू will be studying in the next few chapters is Euclidean geometry. However, the axioms and theorem used by us may be different from those of Euclid's. ठीक है, अभी कह रहा है आप अभी जो आगे पढ़ोगे वो सारी यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ोगे, मतलब आप प्लेन पर, आपका जो प्लेन पर क्या था, प्लेन पर आपका कोई भी फिगर हो, मतलब कुल मिला के 2D, ठीक है, मतलब प्लेन पर कुछ भी फिगर हो उसके बारे में पढ़ोगे भैया। और इन्होंने कहा कि जो एग्जियम और थ्योरम जो यूक्लिड ने यूज़ करी तो उससे डिफरेंस हो सकती है, क्योंकि यूक्लिड के बाद काफ़ी सारे मैथमेटिशियन आ चुके हैं उस फील्ड में और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है अपनी ओर से हमें ज्ञान देने के लिए। तो बस यहीं तक थी इसकी कहानी, ठीक है,
अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे सबसे पहली बात, और अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना सुझाव देना मत भूलिएगा, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है उसको मुझे टेलीग्राम पे बताइएगा, ठीक है। और आपके सुझाव से मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।